नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है यू एस रिक्रूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट टू दोस्तों ये हमारा यू एस रिक्रूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट टू है और इसमें हम यू एस स्टाफिंग कंपनी या यू एस आई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और उनके आंसर्स के बारे में आपको बताएंगे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों और फर्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज़ एफ वन वीज़ा ओके सो एफ़ वन वीज़ा क्या होता है ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है सो so इस क्वेश्चन के हमारे पास फोर ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टूडेंट वीज़ा ऑप्शन बी वर्क वीज़ा ऑप्शन सी ट्रैवल वीज़ा ऑप्शन डी बिजनेस वीज़ा सो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए क्या ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर और ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर और ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर और ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप एक यू एस आई टी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं इसका सही आंसर दोस्तों हम आपको इसका सही आंसर बता देते हैं ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर सो एफ वन वीज़ा इज़ ए स्टूडेंट वीज़ा ओके तो याद रखिएगा दोस्तों एफ वन वीज़ा एक स्टूडेंट वीज़ा होता है आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की वाट इज़ स्टूडेंट वीज़ा वैलिडिटी ओके सो स्टूडेंट वीज़ा वैलिडिटी कितनी होती है क्या होती है सो so, दोस्तों इसके भी हमारे पास फोर ऑप्शन है ऑप्शन ए विल बी यू नो फोर ईयर्स ऑप्शन बी थ्री ईयर्स ऑप्शन सी अप टू फाइव ईयर्स ऑप्शन डी टू ईयर्स सो दोस्तों क्या इसका सही सही आंसर क्या होना चाहिए क्या ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर और ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर और ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर और ऑप्शन डी विल बी सही आंसर राइट आंसर सो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अप टू फाइव ईयर्स ओके तो याद रखिएगा स्टूडेंट वीज़ा या एफ एन वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है मैक्सिमम फाइव ईयर्स होती है ओके okay? बट ये जो वैलिडिटी होती है ये आपके जो एजुकेशन प्रोग्राम है या आपकी जो डिग्री है उस पर डिपेंड करती है और क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीटी वीज़ा ओके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीपीटी वीज़ा की वैलिडिटी सीपीटी वीज़ा का फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन ए करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑप्शन बी क्योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑप्शन सी कैट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑप्शन डी कॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओके सो आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए सो so, दोस्तों हम बिना किसी देरी के और बिना किसी आपको इंतज़ार कराए इसका सही आंसर आंसर बता देते हैं ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सो अगर आपसे ये क्वेश्चन एंटर में पूछा जाए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीबीटी वीज़ा तो आपको ऐसा बताना है कि सी वीज़ा की जो वैले सी वीज़ा का जो फुल फॉर्म होता है ये करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर फोर की व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओ वीज़ा सो ओ का फुल फॉर्म क्या होता है इसके भी हमारे पास फोर ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्टिकल प्रेस ट्रेनिंग ऑप्शन बी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑप्शन ऑप्शन सी ऑप्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑप्शन डी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेन सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी, भी काफ़ी पूछा जाता है सो so, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए अगर आपको इसका सही आंसर है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है या अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है सो so हम आपको इसका सही आंसर बता देते हैं ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओके ध्यान रखिएगा ओपीटी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव की वट इज़ सी पी सी पी टी वीजा इज ओके सी पी टी वीज़ा क्या होता है ओके सो सी पी टी इसके भी हमारे पास फोर ऑप्शन है फुल टाइम सी पी टी पार्ट टाइम सी फुल टाइम एंड पार्ट टाइम सी एंड नील सो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है सो so इसे ध्यान से सुनेगा ऑप्शन इसका जो सही आंस आंसर है वो ऑप्शन सी है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम सीपीटी। सो हम इसे आप, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं सीपीटी वीज़ा जो होता है दो प्रकार का होता है एक फुल टाइम सी एक पार्ट टाइम सी ओके सो फुल टाइम में क्या होता है कि फुल टाइम मिलता है तो आप आ, अपनी स्टडी के साथ साथ आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं लेकिन अगर आप पार्ट टाइम सी लेते हैं तो आप सिर्फ पार्ट टाइम बेसिस पे ही काम कर सकते हैं ओके सो ड्यूरिंग द स्टडी आपको पार्ट टाइम मिलता है और उसमें आप पार्ट टाइम बेस पे आप काम कर सकते हैं ओके सो so, ध्यान रखिएगा सी वीज़ा आपको दो प्रकार के मिलेंगे एक फुल टाइम सी एक पार्ट टाइम सी सो so, आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की हाउ टू गेट सी पी टी वीज़ा सो सी पी टी वीज़ा कैसे मिलता है ओके ड्यूरिंग द स्टडी ऑप्शन इसके भी हमारे पास फोर ऑप्शन हैं ड्यूरिंग द स्टडी आफ्टर द स्टडी बिफोर द स्टडी और आफ्टर फाइव ईयर ऑफ स्टडी सो ध्यान से सुनेगा इस वीडियो को और क्या इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी सही आंसर है या ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर और ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर सो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए सो so, दोस्तों हम आपको इसका सही आंसर बता देते हैं ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ओके सो आपको जो सीपीटी वीज़ा है वो आपके ड्यूरिंग द स्टडी मिलता है जब आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद ही आपको सीपीटी वीज़ा मिलता है उसके पहले भी नहीं मिलता उसके बाद भी नहीं मिलता है आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन की इन सी पी टी कैंडिडेट वर्क ओके सो अगर इसमें हम पार्ट टाइम सी पी टी की बात कर रहे हैं ठीक है अगर आपने पार्ट टाइम सी पी टी लिया है ड्यूरिंग द स्टडी ओके सो आप इसमें कितने घंटे काम कर सकते हैं ओके okay. सो so, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स uh, इसका जो ऑप्शन ए है ये बीस घंटे है और ऑप्शन सी है वो फोर्टी आवर्स ऑन वीकली बेसिस और ऑप्शन सी है थर्टी आवर्स ऑन वीकली एंड ऑप्शन डी है ट्वेंटी फाइव आवर्स ऑन वीकली सो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए क्या ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा या ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सो so, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, इसके बारे में आपको जरूरी जरूर जरूर आपको इस पे ध्यान देना होगा सो so, इसका भी हम आपको सही आंसर बता देते हैं ट्वेंटी आवर्स ऑन वीकली अगर आपके पास पार्ट टाइम सी है तो आप वीकली बेसिस पर बीस घंटे ही काम कर सकते हैं आप बीस घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर एट की व्हाट इज एच वन वीजा तो एच वन वीजा क्या होता है इसके भी फोर ऑप्शन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन ए है स्टूडेंट वीज़ा ऑप्शन बी है वर्क वीज़ा ऑप्शन सी है पार्ट टाइम वीज़ा ऑप्शन डी है ई थ्री वीज़ा सो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा एच वन वीज़ा ये जो वीज़ा होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीज़ा होता है सो so, इसीलिए आपको इस वीडियो, वीडियो, इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है और अगर आप एक यू एस रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है सो so, इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं एच वन जो वीज़ा होता है ये एक वर्क वीज़ा होता है ठीक है ध्यान से सुनेगा एच वन जो वीज़ा होता है ये एक वर्क वीज़ा होता है आइए दोस्तों बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ एच वन वीज़ा तो एच वन वीज़ा की वैलिडिटी क्या होती है या कितनी होती है इसके भी हमारे पास फोर ऑप्शन है ऑप्शन ए है वन ईयर ऑप्शन बी है थ्री ईयर्स ऑप्शन सी है थ्री प्लस थ्री ईयर्स ऑप्शन डी है टू ईयर्स दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से सुनिएगा सो so दोस्तों जो एच वन वीजा है इसकी वैलिडिटी अलग अलग हो सकती है लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस सेंस में इसकी बात कर रहे हैं सो so अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं अगर हम इसका अगर हम H1 वीज़ा की बात करें तो इनिशियल जो वैलिडिटी होती है वो थ्री इयर्स होती है ठीक है अगर हम टोटल अगर हम इसकी टोटल वैलिडिटी की बात करें H1 वीज़ा की तो थ्री प्लस थ्री ईयर्स टोटल सिक्स ईयर्स होती है सो तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वट इज़ द इनिशियल वैलिडिटी ऑफ एच वीज़ा तो थ्री ईयर्स हम बता सकते थे लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वैलिडिटी ऑफ एच वन वीज़ा टोटल वैलिडिटी ऑफ एच वन वीज़ा तो वो थ्री प्लस थ्री ईयर्स होगी अगर इनिशियल की बात करें तो ओनली थ्री ईयर्स ओके सो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा और ये डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है अगर इनिशियल वैलिडिटी की बात करेंगे तो थ्री ईयर्स होगा और अगर टोटल वैलिडिटी की बात करेंगे तो थ्री प्लस थ्री ईयर सिक्स ईयर्स होगा आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की एच फोर वीज़ा वाट इज़ एच फोर वीज़ा ओके सो इस क्वेश्चन के भी हमारे पास फोर ऑप्शन है ऑप्शन ए है डिपेंडेंट वीज़ा ऑप्शन बी है स्टूडेंट वीज़ा ऑप्शन सी है असाइलम वीज़ा ऑप्शन डी है फुल टाइम वीज़ा सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो so, इसे भी आप ध्यान से सुनेगा क्या इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा या ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा या फिर ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों हम बिना किसी देरी के आपको सही इसका सही आंसर बता देते हैं एच फोर जो वीज़ा होता है ये डिपेंडेंट वीज़ा होता है ओके सो एच व्हाट इज एच फोर वीज़ा एच फोर वीज़ा इज ए डिपेंडेंट वीज़ा ओके सो ये किसका डिपेंडेंट होता है एच का जो डिपेंडेंट वीज़ा होता है ये एच फोर वीज़ा होता है और जो एच फोर की जो वैलिडिटी होती है वो एच वन पर डिपेंड करती है ओके okay? सो so अगर किसी व्यक्ति को एच वन वीज़ा मिला है तो उसकी जो डिपेंडेंट है या उसकी स्पाउस है तो उसे एच फोर वीज़ा मिलेगा और उसकी जो वैलिडिटी होगी वो एच वन वीज़ा पर डिपेंड करेगी और एच फोर जो वीज़ा है होल्डर है ये ई डी लेने के बाद डब्ल्यू टू पोजिशन पर काम कर सकता है सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग